चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ इसका सोल्यूशन देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का पावर 1/x। तो प्यारे बच्चों फिर से हम इसको u और v मानकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसको u मानेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था और इसको मैंने v माना था और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि y इक्वल्स टू दिस इज आर u एंड दिस वैल्यू इज v, और इसको लिखा जा सकता है d by dx इज इक्वल्स टू du by dx प्लस dv by dx। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि नाउ हमने u को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, x cos x का पावर x को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम लॉग लेते हैं तो ये हो गया log u इक्वल टू, और ये हो जाएगा log x cos x का पावर x, और ये x पावर जो है log के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू log ऑफ x cos x, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो कि ये पहला और ये इसको दूसरा प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहां पे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। तो x इंटू सेकेंड गाड़ी को log गाड़ी को पहले होगा 1 बाई एक्स कॉस एक्स इंटू डी को ऑफ डी डी एक्स ऑफ x cos x भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपने देखा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीको कुछ इस प्रकार से बन रहा है, प्लस सेकेंड log x cos x इंटू डीको ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब x का डीको इंटू वन लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये x से ये x कैंसिल हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास du by dx दे रहा है, यहां पे आप u से क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, u इंटू वन बाई कॉस एक्स जिसको sec x भी लिखा जा सकता है, और इसका डीको करने के लिए पहला और दूसरा भी इसको तोड़ देंगे ऐसे, फर्स्ट x इंटू कॉस का डीको माइनस साइन x प्लस सेकेंड कॉस x इंटू फर्स्ट का डीको x का डीको वन हो गया, ठीक है। यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्लस लॉग ऑफ x कॉस x हो गया। कोई समस्या है तो नहीं होना चाहिए। और अभी हम इस u की जगह पे वापस से जो क्वेश्चन है उसको रिप्लेस कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, du by dx इज इक्वल टू x cos x का होल पावर x इंटू, और ये जो 1 बाई कॉस एक्स है इन ब्रेकेट के अंदर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा माइनस एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो कि बन जाएगा टेन एक्स प्लस, और 1 बाई कॉस एक्स से जब कॉस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा जो कि बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स एज इट इज रहा हमारा। तो इस प्रकार से ये जो डीको आप देख रहे हो ये ड्यू बाई डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अभी हम डीबी बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, तो आइए देखते हैं डीबी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलता है। आप इसको नोट कर लें, हम इसका आंसर यहां पे लिख दे रहे हैं कि ड्यू बाई डी एक्स इज इक्व टू एक्स कॉस एक्स का होल पावर एक्स इंटू माइनस एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। चलते हैं हम डीबी बाई डी एक्स की तरफ।
देखो सिंस भी क्या है, एक साइन एक्स का होल पावर 1/x है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे फिर से हम लॉग लेते हैं, तो लॉग लीजिए, जैसे ही लॉग लेते हो तो ये बनेगा लॉग भी इक्वल टू 1/x लॉग ऑफ x साइन x, ठीक है। लॉग लेने पे ये m का पावर n, n पहले आ जाएगा लॉग के पहले। अब जाकर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम कुछ इस प्रकार से, लॉग v का डीको 1/v डीबी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू, और यहां पे इस लॉग x साइन x का डीको होगा वो कैसे, तो इसको आप फर्स्ट मानो और इसको आप सेकंड मानो, और दो का प्रोडक्ट है ना, तो ये हो गया फर्स्ट इंटू डीको आप सेकंड। तो पहले मिलेगा लॉग, लॉग x साइन x का डीको करना होगा जो कि होगा 1/x साइन x इंटू, और यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो x sin x का भी डीको करना होगा, ठीक है। अभी मैंने log का डीको किया 1/x sin x हो गया, अब x sin x का हम डीको करते हैं जो कि यहां पे पहला और दूसरा अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हो कि ये हो गया x cos x plus sin x into 1, ठीक है। x first into sin x का डीको cos x plus second sin x into x का डीको 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये फर्स्ट और ये सेकेंड का डीको, ये कंप्लीट डीको जो देख रहे हो 1/x sin x लेकर ये ब्रैकेट तक, ये आपका सेकेंड का डीको है, ठीक है बच्चों। अब करेंगे प्लस सेकेंड इनटू फर्स्ट का डीको, यानी कि 1/x का डीको। तो बच्चों आपको बताया गया है कि 1/x का डीको -1/x स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे हम -1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और इस पूरे में थोड़ा सा एलसीएम ले सकते हो, तो आप देख सकते हो कि बेस तुम्हारा x स्क्वायर है, तो ये एलसीएम लेने का काम करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, 1/ sin x से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारा 1/x स्क्वायर इंटू x इंटू cot x, और फिर से देख सकते हो sin x इंटू 1/ sin x 1 हो गए, प्लस माइनस माइनस log x sin x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। और आप देख सकते हो कि दोनों टर्म में बेस x स्क्वायर कॉमन है या सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है x इंटू cot x प्लस 1 माइनस log x sin x होल अपॉन x स्क्वायर, दिस इज आर डी 1/v डीबी बाई डी एक्स। बट अपने को निकालना क्या था, डीबी बाई डी एक्स चाहिए था, तो इस v से हम क्रॉस मल्टीप्लाई दे देंगे, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देयरफॉर डीबी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और v की वैल्यू हम चाहें तो यहां से रख सकते हो क्वेश्चन से, एक साइन एक्स का पावर 1/x इंटू, और ये हमारा एज इट इज इसको लिखा जा सकता है x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, और इस प्रकार से अपने को dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स मिल चुका है, और इन दोनों को जैसे ही आप ऐड कर देते हो तो ये d by by dx के बराबर हो जाएगा। आप यहां पर लिख सकते हो therefore d by dx equals to this term and this term, और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया, आप इसे नोट कर लो बच्चों। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हमको फाइंड आउट करना है।
तो बच्चों इस बार यहां पे हम y के बराबर नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक इक्वेशन बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि क्वेश्चन डायरेक्ट था, उसमें y इक्वल टू खुद से मान लिया था कि y इक्वल टू दिस क्वेश्चन है, ठीक है, और d बाय dx हम निकाल रहे थे। लेकिन अभी हम y मानेंगे नहीं क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट के फॉर्म में है, एक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसको करने का तरीका यही होगा कि इसको u और इसको v अलग अलग लेकर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। कैसे होगा बच्चे, तो u इक्वल टू और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो du by dx प्लस dv by dx और 1 का डी को 0 हो जाएगा और तब जाके हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि अपने को du by dx निकालना होगा और dv by dx निकालना होगा और इक्वेशन 1 में पुट कर देना होगा इन दोनों वैल्यू को और आंसर लिख देना होगा, ठीक है बच्चे। तो आइए देखते हैं क्या हम du by dx निकाल पा रहे हैं। तो चलते हैं, नाउ u इक्वल्स टू x का पावर y है, तो लॉग लेते हो आप, तो ये हो गया लॉग u इक्वल्स टू y इंटू लॉग x और इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देना बच्चों, लॉग u का d को 1 बाई यू डीयू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे पहला और दूसरा अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये बनता है y इंटू 1 बाई एक्स प्लस पहला इंटू दूसरे का डी को log x का डी को 1 बाई एक्स प्लस दूसरा log x इंटू y का डी को dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी इसको सॉल्व किया जाए, तो यहां से du by dx मिल रहा है मेरे को, du by dx इज इक्वल टू u इंटू y by x प्लस log x इंटू dy by dx मिल रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते जाइए, आपका सोल्यूशन जरूर से आएगा। और इस y के जगह पे हम रख सकते हैं du by dx इज इक्वल टू, इस u के जगह पे मैंने जो u माना था x का पावर y रख दिया है और ये y बाई एक्स एज इट इज रहा प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इसको मैंने ऐसे ड्यू बाई डी एक्स को छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो भी माना है ना इस भी को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके dv बाई डी एक्स निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। तो नाउ सिंस भी कॉस्ट लिखा हुआ है y का पावर x, लॉग लीजिए फटाक से, लॉग लेते ही लॉग भी इक्वल टू x लॉग y हो जाएगी, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, लॉग भी का डी को 1 बाई बी डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग y का डी को 1 बाई वाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, हमेशा याद रखें log y का d को 1 by y into dy by dx होता है प्लस सेकेंड log y into x का d को 1 और तब जाकर इस v से क्रॉस मल्टीप्लाई दे दीजिए, तो बन गया dv by dx is equals to v into x by y into dy by dx प्लस log y, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि ये जो dv by dx है, v into v कितना है बच्चों, y का पावर x है, हमने लिखा y का पावर x into x by y into dy by dx plus log y, ठीक है ना। और यहां पे dv by dx फाइंड आउट हो चुका है और यहां पे मैंने du by dx निकाला है, दोनों को मैं क्या करूंगा जोड़कर इक्वल टू जीरो कर दूंगा और सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। आप इतना नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो आइए इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों वैल्यू को उठा के क्वेश्चन वन में पुट कर रहे हैं, एक्स के पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई के पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने क्या किया कि डीयू बाई डी एक्स और ये डीवी बाई डी एक्स इन दोनों को उठाकर इक्वेशन वन में पुट कर दिया। ठीक है, पुट करते ही आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन बना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करकर डी बाई डी एक्स यहां से निकाल लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखो x के पावर y से y बाई एक्स में जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे बेस सेम दिखेगा, तो ये हो जाएगा x का पावर y माइनस वन इंटू वाई। ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लाई करो, x के पावर y से इधर मल्टीप्लाई करो इस सेकंड टर्म में, x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये y के पावर x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसी प्रकार से नीचे डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में y के पावर x आएगा, अब बेस सेम है तो पावर जाके घटेगा, तो ये y के पावर x माइनस वन इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और इस y के पावर x से लास्ट वाले मल्टीप्लाई कर दोगे तो y के पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है ना बच्चे, अब आप देख सकते हो कि यहां से dy बाई डी एक्स हमको निकालना होगा, तो dy बाई डी एक्स आप देखिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में dy बाई डी एक्स कॉमन है और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट का फोर्थ टर्म फ्री है, इन दोनों फ्री को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे कुछ इस प्रकार से। यानी कि dy बाई डी एक्स को हम कॉमन ले रहे हैं, हमारे पास बच रहा है x के पावर y इंटू लॉग x प्लस, यहां पे क्या कहा मैंने बच्चे डी बाई डी एक्स अगेन कॉमन, वाई का पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म हमारा फ्री है इसको राइट में आप भेज दीजिए, माइनस एक्स का पावर वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है ना बच्चे, अब यहां से डी बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो, इस टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दो कुछ इस प्रकार से, आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन है माइनस तो मैंने माइनस को कॉमन लिया है, एक्स का पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई होल अपॉन एक्स का पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई का पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया हो, आप इसे नोट कर ले, एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है कुछ इस प्रकार से, y इक्वल टू वाई का पावर x, सॉरी y का पावर x इज इक्वल टू x का पावर y। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा y का पावर x इक्वल टू x का पावर y। तो बच्चे यहां पे आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो दोनों साइड और क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या आप u और v को डायरेक्ट अलग अलग सेपरेट करके भी सॉल्व कर इक्वेट कर देना तो भी आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप जैसी दोनों साइड लॉग लेते हो तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से सॉल्व होगा, लॉग y का पावर x इक्वल टू लॉग x का पावर y। यहां से अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए होगा, है ना, तो ये हमारा बन रहा है x इंटू लॉग y इक्वल टू y इंटू लॉग x। मैंने क्या किया दोनों साइड में लॉग ले दिया, ठीक है, और ये पावर पहले आ गया x log y और ये पावर पहले y log x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये प्रोडक्ट रूल पहला दूसरा, ये हमारा पहला दूसरा पर टूटेगा। ठीक है ना बच्चे, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, x इंटू लॉग वाई का डी को 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स
प्लस लॉग वाई इंटू एक्स का डी को वन, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको करो, वाई इंटू लॉग एक्स का डी को वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स सेकेंड इंटू वाई का डी को डी वाई बाई डी एक्स। मैंने इसी को पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरा इंटू पहले पे तोड़ दिया है, आप इसको ध्यान से देखें। चलते हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने की तरफ। आप देख सकते हो ये जो पहला जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे डी वाई बाई डी एक्स है, और राइट हैंड साइड में लॉग एक्स में डी वाई बाई डी एक्स है। तो इस डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाए, और ये जो लॉग वाई है फ्री है इसको राइट हैंड साइड में हम भेज दें कुछ इस प्रकार से, माइनस इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है ना बच्चे। अब यहां से आप देख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा कॉमन, जो कि बनेगा एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स, और आप यहां पे एलसीएम लीजिए, वाई माइनस एक्स लॉग वाई होल बाई एक्स, ठीक है ना। यहां भी आप एलसीएम ले सकते हो कुछ इस प्रकार, डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई लॉग एक्स होल बाई वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग वाई होल बाई एक्स, ठीक है ना बच्चे। और यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई दे दीजिए, डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो वाई बाई एक्स इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई होल अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, यही बच्चे हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ चुका है, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कॉस एक्स का होल पावर वाई इक्वल्स टू कॉस वाई का होल पावर एक्स। तो बच्चों यह भी आपका सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, आप इसको कर सकते हो, दोनों साइड में आप लॉग ले सकते हो और क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका लॉग लेने पे क्या होता है। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ दी साइड हमको मिलेगा वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ कॉस वाई, ठीक है ना। लॉग लेते ही फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा लॉग एम के पावर एन वाली, जो कि बनेगा एन लॉग एम से, ठीक है ना। अब यहां पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा प्रोडक्ट रूल पे टूट जाएगा, ठीक है बच्चों ना। यानी कि y इंटू log का डी को 1 बाई cos x इंटू cos x का डी को माइनस साइन x प्लस पहला इंटू दूसरे का डी को हो गया, प्लस दूसरा log cos x इंटू y का डी को डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। इसी प्रकार यहां भी हम सॉल्व कर रहे हैं x इंटू log cos y का डी को 1 बाई cos y इंटू माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि x और log cos y का डी को 1 बाई cos y, और cos y का डी को माइनस साइन y, और y की जगह पे डी वाई बाई इसका भी डी को करना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पहला और ये दूसरे का डी को बना, अब प्लस दूसरा log cos y, ये दूसरा टर्म था, और x का डी को 1 भी होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने की तरफ, लेकिन एक लाइन हम सॉल्व कर लेंगे, y ऑफ साइन बाई कॉस यू नो टेन एक्स होता है,
प्लस log cos x इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्व टू प्लस माइनस माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई इज इक्व टू टेन वाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स प्लस log of cos y, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि यहां पे d by d x है और यहां पे d by d x है, तो अब क्या करेंगे बच्चे, किसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे और d by d x को कॉमन ले लेंगे, और ये टर्म फ्री है इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे और वैल्यू निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा log of cos x into d by d x प्लस टेन वाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्व टू लॉग ऑफ कॉस वाई माइनस वाई टेन एक्स, ये टर्म को मैंने रेड में भेज दिया है, ठीक है ना। अब देख सकते हो कि इन दोनों में कॉमन है हमारे पास डी बाई बाई डी एक्स, तो मैंने कॉमन खींच लिया है और बच गया लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस वाई माइनस वाई टेन एक्स, ठीक है। और इस टर्म को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए और रिक्वायर्ड आंसर लिख लीजिए कुछ इस प्रकार से, देयर फोर डी बाई बाई डी एक्स हमारा आ रहा है लॉग कॉस वाई माइनस वाई टेन एक्स होल अपॉन लॉग कॉस एक्स प्लस टेन y, this is our required answer। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 का भी सोल्यूशन समाप्त हो गया, तो आई होप कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लें। अगली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से है, एक्स वाई इक्व टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे क्या कि दोनों साइड में लॉग ले लेंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो लॉग लेते ही ये बनेगा लॉग एक्स वाई इज इक्व टू log e का पावर x माइनस वाई, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये log एक्स वाई लिखा है, इसको लिखा जा सकता है log x प्लस log y, ठीक है। और यहां पे ये x माइनस वाई आगे आ जाएगा और अपने पास बचा है log e, और log e और यहां पे बेस क्या है, e है, जिसकी वैल्यू क्या होता है, वन होता है। ये वैल्यू वन हो गई, आप इसको हटा सकते हैं यहीं से, ठीक है। यानी कि लॉग का जो चौथा फॉर्मूला शामिल हो रहा है कि लॉग एम बेस एम इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई का डी को डी वाई बाई डी एक्स, और ये log e कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 हो चुका है, आप चाहो तो ये 1 लिख सकते हो, x कड़ी को 1 y कड़ी को d by dx कर लिया। और इस प्रकार से ये हो गया 1 by x plus 1 by y into d by dx is equals to 1 minus d y by dx। इस d by dx को लेफ्ट की तरफ लेकर आ जाओ, 1 by x को राइट की तरफ सेंड कर दो, d by dx सारे टर्म एक तरफ आ जाए कुछ इस प्रकार, 1 by y d by dx प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है ना। और आप देख सकते हो यहां पे डी बाई डी एक्स कॉमन है, और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया वन बाई वाई प्लस वन इक्व टू वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है बच्चे। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जैसे ही सॉल्व करते हो तो आपके पास बच रहा है डी बाई डी एक्स 1 प्लस वाई बाई वाई
इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, ये y से क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 1 प्लस y नीचे चला जाएगा, और इस प्रकार से हम लिखेंगे देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू y by x इंटू x माइनस वन अपॉन 1 प्लस y नीचे चला जाएगा उधर, तो क्या लिख सकते हो y प्लस वन या x 1 प्लस y, दोनों सेम बातें है ना। और इस प्रकार से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 + x, 1 + x² 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁸ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इसके बाद हमको फाइंड करना है f डैश वन की वैल्यू भी, f डैश x फाइंड करनी है और इसके साथ f डैश वन भी फाइंड करनी है, ठीक ना बच्चे। तो आप चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। हम इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको y बोल देते हैं, क्या बोल लेते हैं, ये y है, y इक्वल टू 1 प्लस x, जो कि आपको थोड़ा सा इजी दिखेगा। अब दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, तो जैसे ही लॉग लेते हो तो ये बनेगा लॉग y इक्वल टू लॉग 1 प्लस x प्लस लॉग 1 प्लस x स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस x का पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस x का पावर 8। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो बच्चों जैसे ही आप लॉग लेते हो तो लॉग एम एन ओ पी इस तरीके से बन रहा होगा, आपको दिखेगा, और आपको बताया गया है कि लॉग एन इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ प्लस लॉग पी, ठीक है ना। और तब जाकर यहां पर हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप देख सकते हो लॉग वाई का डी को 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स का डी को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इस टर्म का भी डिको होगा, यहां भी हुआ था, यहां भी इसका डिको 1 हुआ था क्योंकि मैंने नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो इसका डिको क्या होगा बच्चे, इंटू 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस x का पावर 4 इंटू 4x³ प्लस 1 बाई 1 प्लस x का पावर 8 इंटू 8x का पावर 7, ठीक है ना। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये y से क्रॉस मल्टीप्लाई दे दीजिए, इस प्रकार से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो वाई से, वाई की वैल्यू है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू ये सारे टर्म, क्या है टर्म 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ अपॉन 1 प्लस x का पावर 4 प्लस 8x का पावर 7 अपॉन 1 प्लस x का पावर 8, ठीक है बच्चे। और इस प्रकार से इस dy by dx को हम f डैश x भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो
कि f डैश x हमारा ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, अपने को f डैश 1 भी चाहिए था, तो देयरफॉर लिख देंगे f डैश 1, और जहां जहां x से x को रिप्लेस कर देना 1 से इस डिफरेंशिएशन में, तो f डैश 1 आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब देखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 का पावर 4, 1 प्लस 1 का पावर 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 का क्यूब, 1 प्लस 1 का पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 का पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 का पावर 8, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये हर एक टर्म 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 का पावर 4 1 प्लस 1 2 2 है ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16। और ये जो टर्म है 1 by 2 प्लस, आप देख सकते हो ये 2 by 2 प्लस 4 by 2 प्लस 8 into 1 8 by 2, ठीक है ना बच्चे। और इस प्रकार से आपने देखा कि सभी का बेस सेम है, तो न्यूमरेटर इसका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 होल बाय 2, जो कि बन रहा है 16 इंटू 1 2 3 3 4 7 7 और 8 15 15 बाय 2, और इस 2 से ये 16 को 8 टाइम्स कटा सकते हो, और यू नो 15 एट जा 120, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आ चुका है, आप इसको जरूर से नोट कर जाएं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगली क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 17, कुछ इस प्रकार से y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव विद थ्री मेथड से आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। पहला बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, दूसरा मेथड एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रूल इन सिंगल पॉलिनोमियल, और तीसरा बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। और कहते हैं कि क्या इसका आंसर सेम होगा, तो आइए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम प्रोडक्ट रूल से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो आप इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये पहला और ये दूसरा आप दे सकते हो, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीको, इसका डीको करोगे 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 9 का डीको 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीको प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीको, इसका डीको ये आएगा 2x माइनस 5, ठीक है बच्चे। आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके खोल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए। कैसे खोलेगा आप x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर, माइनस 5x से मल्टीप्लाई करिए माइनस 15x क्यूब माइनस 35x, ठीक है। इस 8 से दोनों में करिए 24x स्क्वायर प्लस 56, आते हैं इधर मल्टीप्लाई करने, इसको भी मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो 2x के पावर 4 होगा, और x क्यूब में माइनस 5 से करोगे तो माइनस 5x क्यूब आएगा, ठीक है ना। प्लस 7x से करो, 7 2 जा 14x माइनस 35x, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा प्लस 18x और 9 5 जा 45, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कुछ कटने लायक होगा तो इसको कटा दिया जाएगा। चलो
सबसे पहले पावर फोर को देखा जाए, 3x के पावर फोर और 2x के पावर फोर कितना हो जाएगा बच्चे, 5x का पावर फोर। ठीक है, पावर थ्री को देखते हैं, एक यहां पे पावर थ्री है और एक यहां पे पावर थ्री है। ठीक है, तो यहां पे माइनस 15x क्यूब और यहां पे माइनस 5x क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 20x क्यूब। ठीक है, अब पावर टू को देखते हैं, 7x स्क्वायर यहां पे है 7x स्क्वायर, अब प्लस 24x स्क्वायर कितना हो जाएगा 31x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा हमको एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख दिया प्लस 31x स्क्वायर। अब एक्स के फ्री टर्म को देखते हैं, एक्स के साथ अकेला वाला, तो आप देख सकते हो 35x माइनस 35x माइनस 35x कितना हो गया बच्चे, माइनस 70x प्लस 14x अब प्लस 18x, तो 17 माइनस 32 कर लीजिए आप, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6 में से 3 गया 3, माइनस 38 हो जाएगा, होगा ना, माइनस 70 प्लस 32 इक्वल टू माइनस 38। तो इस प्रकार से जो x का जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है माइनस 38x। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म की तरफ, ये आप देखिए कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 56 और यहां पे है 45, तो 56 माइनस 45 1 1, इस प्रकार से ये हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू मिला, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ये मेथड का नाम है बाई प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना बच्चे, अब इसी चीज को हम सिंगल पॉलिनोमियल में सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना। हम इस पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके तोड़ देंगे, खोल देंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं, आप इसको नोट कर लें, सेकेंड को करने के लिए हम यहां पे इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे। चलिए एक्स स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स के पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कर दिया, माइनस 5x से करते हैं तो माइनस 5x का पावर 4 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x। ठीक है ना, अब 8 से करो प्लस 8x क्यूब प्लस 56x और प्लस 8 9 72। ठीक है, और यहां पे इसको फिर से सजा लेते हैं सारे टर्म को, ये x के पावर 5 यहां पे देखो, यहां पे 5x के पावर 4 है अगला टर्म, आप यहां पे लिखो माइनस 5x के पावर 4। ठीक है ना, चलिए पावर 3 पे आते हैं, 7x क्यूब यहां पे है और ये 8x क्यूब है, कितना हो जाएगा बच्चे 15x क्यूब। ठीक है ना, यहां पे 9x स्क्वायर है और माइनस 35 तो कितना हो गया 26 है ना, तो माइनस 26x स्क्वायर। अब हमारे पास सिंगल x वाला ढूंढते हैं, कहां है सिंगल x, यहां पे है माइनस 45x और प्लस 56 कितना आएगा प्लस 6 माइनस 5 1 5 में से 4 गया 1 x और लास्ट में बचेगा 72 जो कि फ्री है, कोई टर्म नहीं है। और इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स बनना है 5x का पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। आई होप कि समझ में आपको आ चुका है, क्योंकि 72 का डी को जीरो होता है इसलिए लिखा ही नहीं। तो चलते हैं, ये था हमारा सेकेंड मेथड जो कि एक लीनियर बना दिया गया, लीनियर इन द सेंस कि एक पॉलिनोमियल बना दिया गया और इस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर दिया गया। तीसरा मेथड आपसे बोल रहा है कि लॉगरिथमिक मेथड से इसको सॉल्व करो, तो आइए देखते हैं लॉगरिथमिक मेथड से कैसे सॉल्व होगा इसी क्वेश्चन को।
इसको लॉग से सॉल्व करने के लिए आप पहले ही दोनों तरफ लॉग ले लो, तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। मैंने लॉग एम एन को लॉग एम प्लस लॉग एन कर दिया और इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ इस प्रकार से डिफरेंशिएट होगा बच्चे, लॉग वाई का डी को वन बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स, इस लॉग का डी को वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू, इसका भी डी को करना पड़ेगा चैन रूल से, तो टू एक्स माइनस फाइव प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। ये क्या हुआ, इस लॉग का डी को वन अपान में आ गया इंटू इसका डी को थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ठीक है ना। और तब जाकर इस y से आप क्रॉस मल्टीप्लाई दे दीजिए, कुछ इस प्रकार से हम देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू टू एक्स माइनस फाइव होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ठीक है ना। और इस y के जगह पे वापस से जो पॉलिनोमियल है उसको आप रख सकते हो कि जो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू टू एक्स माइनस फाइव होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन होल बाई एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। तो आई होप कि बच्चे आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है किस प्रकार से हमने थ्री डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 17 को। पहला जो मेथड निकला था वो था मल्टीप्लिकेशन मेथड से, दूसरा मेथड था कि आपस में इसको प्रोडक्ट कर पॉलिनोमियल बनाकर तब डिफरेंशिएट किया मैंने, और तीसरा जो मेथड था वो लॉगरिथमिक के मेथड से लॉग के रूल से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ। आप इसको प्लीज नोट कर लें अपने नोटबुक में। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि इफ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स देन सो दैट ddx of u into v into w is equals to du by dx into vw plus dv by dx wu plus dw by dx यू भी। तो आइए बच्चे इसका भी सॉल्यूशन देख लिया जाए, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसको ऐसे लिखो, इसको प्रूफ करना है इतना ही क्वेश्चन इतना। तो मैंने क्या किया कि DDX ऑफ यू इंटू बी इंटू डब्ल्यू कर दिया, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पकड़ लिया, ठीक है ना। और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं कैसे ये डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप इस u को पहला मान लो और u vw को आप दूसरा मान लो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से u इंटू ddx ऑफ vw प्लस सेकेंड vw इंटू ddx ऑफ u, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी को प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डी को मैंने रख दिया है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो ये यू इंटू और ये फिर से पहला दूसरा टूट जाएगा, कैसे लिखेंगे इस बच्चे, डी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। आप इस u से मल्टीप्लाई कर दो, अब बस काम हुआ खत्म इसका। आप देख सकोगे u इंटू भी
डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डब्ल्यू डी बी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही प्रूफ करना था अपने को कि u इंटू वी, आप देख सकते हो u इंटू वी लास्ट में है, इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स यहीं पर लिखा है, स्टार्टिंग में आ गया है, आप इसको अरेंज कर सकते हो, u इंटू डब्ल्यू, u इंटू डब्ल्यू आप यहां पर सेकेंड टर्म में है, इंटू डी बी बाई डी एक्स यहां पर रखा हुआ है, प्लस वी इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो आप इस प्लस को आप क्या कर सकते हो, आपस में रीअरेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ, और इसी के साथ बच्चे हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम देखने जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग देखने वाले वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी एग्जाम पर, और तब देखेंगे हम लोग आईआईटी के मेंस लेवल, देन एडवांस लेवल और प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि आईआईटी में जी में पूछे जा चुके हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।